आप पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था क्या? दो लड़कियों को लेके आप? हाँ, क्या भटक रहे थे? दो लड़कियों को लेके, क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया। तो ये बताओ फिर, तुम लोगों जैसे गांधी जी से इतना विरोध है, नोट पे भी गांधी जी छपे रहते हैं, तो क्या करते हो नोटों का? यूज कर रहे हैं सर, मेरा एक पॉइंट ये था, यूज कर रहे हैं। अच्छे दिनों का इंतजार है, एक दिन नोट भी बदलेगा, नोट भी बदलेगा। और ये जो जैसे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत का जो चिन्ह है पूरा, वो गांधी जी का चश्मा है, 2 अक्टूबर को इतना सब होता है, G20 के लोग आए, सब लोग राजघाट पर गए, तो आपका विरोध रहता है इन सब से? नहीं, इनसे नहीं रहता सर, इनसे विरोध नहीं है। किसी और व्यक्ति की सोच मैं नहीं बदल सकता ना। पर ये तुम दोनों की पक्की सोच है, तुम दोनों पक्के दोस्त लग रहे हो मुझे। हम गांधी विरोधी हैं। हम गांधी विरोधी हैं। नहीं, गांधी विरोधी होने में क्या दिक्कत है? गांधी विरोधी होना और गांधी हत्या को जायज ठहराना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं जी। क्या बोल रहे हैं ये सर? वो उनका पॉइंट है, मैं उनके पॉइंट में कोई ऑब्जेक्शन, आप सहमत हैं? नहीं, सहमत नहीं हूँ, पर मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहती हूँ। बस ये है कि गांधी जी का इंडिपेंडेंस में काफ़ी सहयोग रहा है भारत को, और जो नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस मूवमेंट भी गांधी जी ने ही चलाया था, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी पॉइंट से सहमत तो नहीं हूँ। इनके या उनके? नहीं, इनके सर। ऐसा है कि भाई की विचारधारा से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, जिस तरह इन्होंने भारत तोड़ने की बात की गांधी जी के ऊपर। गांधी जी वो आदमी थे जब उस टाइम पे उनके पीछे इतनी जनता चलती थी, लोग इतना विश्वास करते थे, वो आदमी देश कैसे तोड़ सकता है? लोग ऐसे ही थोड़ी किसी पर विश्वास कर लेते हैं। और रही बात जब इंडिपेंडेंस के टाइम ब्रिटिशर्स और इंडियन में जो विभाजन हुआ था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से यूनिटी हुई थी, तभी जो उनका वडोदरा में स्टैचू है, दैट इज नोन एज स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसी रीजन से उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो रियासतों में देश बटा हुआ था वो सब एक आए, उनके रीजन से कहीं ना कहीं वो एक हुआ था। तभी और कमाल देखिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी को मानते थे, वो नहीं कहते थे कि गांधी को ठीक गोली मारी गई है, पर वो उनकी राय है। आपकी राय तो, आपकी राय तो गजब है, आप हमारा इस बार का इंदौर का हासिल हो। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा, और आजकल ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इन सबके लिए एक ही चीज है, हर समस्या का एक ही समाधान, हिंदू और मुसलमान, क्योंकि बांट देते हैं। वो हर मुद्दे को उस तरीके से ले जाते हैं, जबकि सबको पता है कि जब विभाजन हुआ था तो जिन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किया था सिर्फ वो गांधी जी ही थे, क्योंकि उनको इस चीज से बहुत दुख हुआ था। वे हमेशा से चाहते थे कि हिंदू मुसलमान एक ही, मतलब एक ही देश में रहे, साथ मिलके रहे। अच्छा, और क्या मुद्दा है इस चुनाव में? सर, मैं गांधी जी फेवर में एक चीज कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने ना पीस, हमको पुरानी हिस्ट्री छोड़ के हमको उनके पीसफुल जो तरीके थे अहिंसा, उसको मोदी जी जिस तरह बढ़ा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। सभी नेता हैं हमारे, सभी देश के नेता, और उनके श्रद्धांजलि दी गांधी जी को, तो ये पीसफुल वे हमको उनका लेते हुए आगे चलना चाहिए। हिस्ट्री में जो भी हुआ उसको भूलकर उनका अच्छा ही जो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, पीस उन्होंने अहिंसा दिखाई। नहीं, 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 मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई गांधी एज अ पॉलिटिशियन, आप क्रिटिकली इंगेज करो, आप बोलो कि मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, उस चीज़ से सहमत हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई किसी भी किस्म की इस तरह की हत्या को, अपराध को, क्रूरता को जायज़ ठहराए, तो इसलिए आई वाज सरप्राइज्ड। सर, मैं गांधी जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो गांधी जी हैं वो एक, यदि इंसान रिसर्च करता है तो रिसर्च एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, और गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने अपने जीवन में अपने पर रिसर्च किया है। और ये बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक, यदि नीम की पत्ती की निम्बोली को जिस व्यक्ति ने, जो सोचता है कि नेचर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता है, ये गलत है, जिसको मैं कभी सहमत नहीं देता। अल्बर्ट आइंस्टाइन भी गांधी सहमत नहीं होते विभाजन के फैसले से, इसीलिए वो किसी उत्सव में भी शामिल नहीं हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन तक गांधी की फोटो रखते थे, जो शांति का इतना बड़ा पुजारी हो सकता है वो देश के बंटवारे की बात नहीं कर सकता। पॉलिटिकल इलिटरेसी है, पॉलिटिकल इलिटरेसी। जी सर, इसका रीजन सबसे बड़ा यही है क्योंकि हमारे यहाँ भली 70% 80% लिटरेसी रेट चला गया है, लेकिन उसका कारण ये है कि पॉलिटिकल इलिटरेट हम कहीं ना कहीं अभी भी है। जो लोग इंडिपेंडेंस एक्ट, माउंटबेटन प्लान जैसी चीज़ों को ना पढ़कर, हमारे एक प्रोफेसर है सत्यम सामराट आचार्य सर, तो उन्होंने थेसिस लिखा है, उनका PhD इसी पर हुआ है, गांधीवाद और इस चीज़ पर। उन्होंने 500 बुक पढ़ी, उसके बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि गांधी का नाम मजबूरी नहीं, गांधी का नाम मजबूती, ये उन्होंने कहीं ना कहीं इतना रिसर्च करने वाला। और आजकल हम एक बुक नहीं पढ़ते हैं और थोड़ा सा कहीं इधर उधर से ज्ञान बटोर कर हम इस तरह के इतने बड़े लीडर्स पर टिप्पणी कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हास्यपद भी लगता है।